हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज इंजीनियर्स डे है, आप सभी लोग जानते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो आपको ऑलरेडी पता हो, मतलब इंजीनियर डे क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। इस वीडियो में मैं मेनली आपको वास्तविकता दिखाना चाहता हूँ, आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि आप एक इंजीनियर है तो आपकी अपनी क्या वैल्यू है। हम जिस भारत देश में रहते हैं उसमें इतने नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में इतने नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कई नंबर ऑफ़ सिटीज़, छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस आते होंगे। हर एक विलेज की हर एक गली में पांच पांच इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से विलेज के हर एक गली में आपको पांच इंजीनियर्स कम से कम मिल जाएंगे। तो सोचो पूरे देश में कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स मौजूद होंगे, हर साल कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, और कई इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग वाला वर्क नहीं करते, कुछ दूसरा काम करते हैं, या तो बैंकिंग सेक्टर में घुस जाएंगे, या फाइनेंस के सेक्टर में घुस जाएंगे, या सॉफ्टवेयर की किसी कंपनी में लग जाएंगे, या आईटी सेक्टर में घुस जाएंगे, वो वाले काम करने लगते हैं, इंजीनियरिंग वाला काम नहीं करते हैं। आप जानते हैं एक इंजीनियर क्या है? किसी भी डॉक्टर की ग्रोथ कब होती है? किसी भी डॉक्टर की ग्रोथ तब होती है जब देश में बीमारियां फैलती है। किसी भी वकील की ग्रोथ कब होती है जानते हैं? जब देश में क्राइम बढ़ता है। किसी भी बैंकिंग ऑफिसर की ग्रोथ कब होती है? जब देश में इकोनॉमिक फॉल चालू होने लगता है, तब आपको बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज मतलब लोन देती है, तो तब बैंक का ग्रोथ होता है, बैंकिंग वाले लोगों का ग्रोथ होता है। और इंजीनियर्स का ग्रोथ कब होता है? जब हमारे देश का ग्रोथ होता है तब इंजीनियर्स का ग्रोथ होता है, जब देश के अंदर अच्छे डैम्स बनने लगते हैं, अच्छे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने लगती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगता है, तब एक इंजीनियर का ग्रोथ होता है। तो हम वो लोग हैं जो देश की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वी शुड बी प्राउड कि हम एक इंजीनियर हैं। इतना हल्के में मत लीजिए इंजीनियरिंग को। सिर्फ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेकर डिग्री हासिल करने के लिए इंजीनियरिंग मत पढ़िए। आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, इसका मतलब यह है कि आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। हमारे देश में मोर देन 90% लोग ये पहले डिसाइड कर लेते हैं 10th 11th में कि हमें इंजीनियरिंग करना है। मोर देन 90% लोग जो मैथ्स साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं 11th 12th में, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यदि मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट लिया है मतलब हमको इंजीनियरिंग ही करना है। 90% स्टूडेंट्स का थॉट होता ही है। हमारे देश में हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियर्स निकलते हैं फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रीम। मैं यदि सभी स्ट्रीम को मिला दूं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कई लाखों की संख्या में इंजीनियर्स का काउंट होगा। मैं तो सिंगल स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, सिविल से यदि अपन बात करें तो कई लाखों की संख्या में हर साल इंजीनियर्स निकलते हैं। उसके बावजूद भी अच्छे इंजीनियर्स की आज भी कमी है हमारे देश में, क्योंकि हम इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए कर रहे हैं। हमें नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है, हमें प्रैक्टिकल फील्ड पर काम करने से कोई मतलब नहीं होता है। हमें तो जैसे तैसे पढ़ाई करके डिग्री हासिल करना है, एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि वही हमारा मकसद है। सोसाइटी ने हमें वही सिखाया है, और आप पास नहीं करोगे तो आपकी सोसाइटी आप पर हंसेगी कि आप फेल हो गए। लेकिन आपकी सोसाइटी ये नहीं जानती कि आपने नॉलेज ही गेन नहीं किया। भले ही आप 90% स्कोर कर लीजिए इंजीनियरिंग में, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर उस नॉलेज का कोई यूज़ ही नहीं है, उस डिग्री का कोई यूज नहीं है। तो बेटा, यदि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो, सीरियसली करो। मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, उस साइड में यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, टेलीग्राम पर मस्ती कर रहे हैं, दिस इज नॉट द गुड वे। इससे आप अच्छे इंजीनियर्स नहीं बनेंगे। कुछ लोग बड़े शौक से बोलते हैं कि हम एक नाइट पढ़कर इंजीनियरिंग पास कर लिए। यकीन मानिए, वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो जीवन में कुछ ही हासिल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं।
ये जो वन नाइट स्टडी वाला जो आप लोगों का रूल है, ये लोग जीवन में कभी इंजीनियरिंग फील्ड में तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एक तपस्या चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए, एक मेहनत चाहिए आपको, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन। इंडिपेंडेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट है। इंजीनियरिंग करने के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको। आप ये ना सोचिए कि हमारा दोस्त जो है वो अच्छा स्कोर कर पाता है क्योंकि वो कोचिंग जाता है। ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। हम कोचिंग नहीं जाते तो हमारा कुछ नहीं हो पाता है, ये भी गलत फहमी है आपकी। सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बिना कोचिंग किए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बेटा, ये फालतू की बातों से बाहर निकलो। आज 15 सितंबर हुआ है, कल 16 सितंबर है। कल से कसम खा लो कि 16 सितंबर से लेके फरवरी महीने तक पूरी मेहनत करेंगे। गेट का एग्जाम आ रहा है, उसको क्रैक करेंगे। और जिन लोग स्टूडेंट्स का गेट का टारगेट नहीं है, कुछ और टारगेट है, उसको फुलफिल करेंगे। एन नंबर ऑफ वैकेंसीज है सिविल इंजीनियर्स के लिए। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम सिविल इंजीनियर्स हैं। हम माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन्स में काम करने वाले लोग नहीं है, या नैनो टेक्निक में काम करने वाले लोग नहीं है हम लोग। हम लोग है किलोमीटर, किलो न्यूटन, मेगावाट, इन सब में काम करने वाले लोग हैं। छोटे छोटे यूनिट्स में हम काम नहीं करते हैं, हम बड़ी बड़ी यूनिट्स में काम करते हैं। हम सिविल इंजीनियर्स हैं, उसके महत्व को समझो। यदि अपने आप को वास्तव में एक अच्छा सिविल इंजीनियर बोलना चाहते हो तो किताबें खरीदो और उसे पढ़ना चालू करो। हर एक स्टेटमेंट के पीछे छुपे हुए रीजन को जानने की कोशिश करो, फिर देखिए आप एक अच्छे इंजीनियर बनकर बाहर निकलेंगे। आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। जब भी आप किसी स्टेटमेंट का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, जब भी आप किसी स्टेटमेंट या किसी इक्वेशन के पीछे छुपे हुए 10,000 कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, तब जाकर आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे। सिर्फ फॉर्मूला रट लेना, सिर्फ स्टेटमेंट को याद कर लेना, इससे इंजीनियरिंग नहीं होती है। एक बार इस कमेंट में बिल्कुल आप लिख कर बताओ कि यदि आप इंजीनियरिंग कर रखे हो, फाइनल ईयर तक पढ़ रखे हो, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि यदि मैं आपको G+2, G+5 भी नहीं बोल रहा हूँ, G+2 बिल्डिंग यदि डिजाइन करने को दूं तो मैनुअली बिना किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किए हुए आप मैनुअली पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डिजाइन कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स होंगे ऐसे? बहुत कम, 1% या 2% स्टूडेंट्स होंगे बस, नॉट मोर देन दैट। आप कहें तो मैं स्टाम्प पर लिखने के लिए तैयार हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या जितना भी क्राउड होता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से पास होने वाला, उसमें से मात्र 1% या 2% स्टूडेंट्स होते हैं जो डिजाइन करना जानते हैं। किसी को कुछ नहीं आता। तो मेहनत करिए और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फ्रॉम माई साइड, हैप्पी इंजीनियर्स डे, और पढ़ाई में जुट जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।